सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिससे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। कुल 11 वाद्य यंत्र होते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन जिनसे लगातार पूछे जाते हैं। यदि आज तक आपको ये टॉपिक कंप्लीट याद नहीं हुआ है, गारंटी में ले रहा हूं आपके माइंड में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा और माइंड में जैसे जैसे मैं बताऊंगा ट्रिक से ऐसे सेट करते हुए चलना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं किस वाद्य यंत्र को आप कैसे किस कीवर्ड से आपको याद रखना है, जिससे कि आपको रटने की आवश्यकता न पड़े और दोबारा टॉपिक भी याद करने की आवश्यकता न पड़े। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो हमारा सबसे पहले होता है बांसुरी वादक। बांसुरी वादक को कैसे याद करोगे बच्चों? जब भी किसी भी नाम के लास्ट में आपका कलर का नाम आ जाए, कलर का नाम मतलब नीला हरा, हरा मतलब हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल, लाल मतलब पन्ना लाल घोष, ठीक है जी, एन नीला, नीला मतलब जब भी कलर का नाम आ जाएगा तब आपको क्या राइट आंसर लगाना है? बांसुरी वादक लगाने हैं। जो आपके बचे हुए ये साथ के साथ में भी कंप्लीट एक बार शुरू में बता दूं, उसके बाद इनको भी कवर कराऊंगा। इसके बाद आपका सितार वादक को कैसे याद करना है? आपको सितार वादक को याद करना है सितारे से। सितारा मतलब स्टार, जो शंकर भगवान जी होते हैं उनके सर पर चांद बना होता है, स्टार तारा लगा होता है, ठीक है जी। एक तो इससे याद करना है आपको। दूसरा, जो स्टार सुपर स्टार होते हैं ना, हीरो होते हैं, उनसे जितने भी आपके सितार वादक है सभी के सभी याद करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे कि आपका रविशंकर, ठीक है जी, उमा शंकर, वंदे हसन, जो स्टार होते हैं हंसते रहते हैं, पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूं जल्दी जल्दी, फिर कंप्लीट क्लास आपको कवर कराऊंगा। इसके बाद आपका सेनाई वादक जितने भी है आपके, सेनाई वादक को याद कैसे करोगे? सेनाई मतलब शादी, सेनाई बजेगी तभी तो शादी होगी, कहते हैं ना यार इसकी तो सेनाई बजेगी, इसका मतलब शादी होने से रिलेटेड क्या नाम याद करने हैं आपको? सेनाई वादक को शादी से रिलेटेड याद करेंगे हम बड़े आसान तरीके से। देखना कंप्लीट क्लास देखनी है आपको, ना याद हुए ना कमेंट बॉक्स में आके लिख देना कि सर हमारे याद नहीं हुई, लेकिन 90% एफर्ट में लगाऊंगा, सिर्फ आपको 10% एफर्ट लगाने हैं। जैसे जैसे कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे माइंड में सेट करते हुए चलने। अच्छा एक बार बताइए, ये आज तक आपके को भी कंप्लीट याद नहीं हुआ होगा? यदि हो भी गया होगा तो क्या होता होगा? भूल जाते होंगे। यदि मैं आपको 3 घंटे की मूवी दिखा दूं, कितने घंटे की? 3 घंटे की, प्रत्येक स्टूडेंट को जो फिलहाल वीडियो देख रहा है, 3 घंटे की मूवी देखने के बाद आपने याद तो नहीं करते उस मूवी को? बिल्कुल भी नहीं करते। यदि मैं उस मूवी की आपको स्टोरी पूछने लगा ना कि हीरो की एंट्री कब हुई थी, या कोई मिलन है, या कोई हीरोइन हीरोइन की एंट्री कब हुई थी, तुरंत बताओगे कि सर उस टाइम हीरो की एंट्री हुई थी, या कोई सीन जो मेन सीन होगा उसके बारे में पूछने लगा तो तुरंत बता दोगे। क्यों जी? क्योंकि जो हमें ना हमारा माइंड है डायरेक्टर टक रिसर्च वर्क तो करता है लेकिन प्रॉपर लाइफ टाइम के लिए नहीं करता, लेकिन जो हमारा माइंड है ना स्मृति चित्र को माइंड में सेव करता है तुरंत, इसलिए आपको मूवी की सारी स्टोरी याद रहती है। मूवी के एग्जांपल हुआ आपका। दूसरा एग्जांपल क्या है? कोई भी स्टूडेंट हो, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले कहीं घूमने के लिए गया होगा। यदि मैं कहां से आप निकले हो, ट्रेन से गए थे, कहां पर जाकर रुके थे, पूरी स्टोरी घूमने की आपके माइंड में कैसे याद है भाई? क्यों है? क्योंकि वो इमेज सेट है आपके, इसलिए इस टॉपिक की मैं आपके माइंड में इमेज सेट करूंगा, जिससे कि आपको रटने की आवश्यकता न पड़े और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। इसके बाद तबला वादक को हम कैसे याद करेंगे बच्चों? तबले वादक को याद करेंगे बल से। किससे? बल, बलवान, ठीक है जी। इसके बाद हम सुरोध वादक है, सुरोध वादक को याद कैसे करेंगे? रोद्र मतलब सुरोध मतलब गुस्से से। जैसे कि गुस्से को गुस्सा कौन कौन करते थे? जैसे अकबर हुआ, मुगल काल के अकबर, मुगल काल का अलाउद्दीन, आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है जी, अहमद अली खान, जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे और युद्ध में तहस नहस मचा देते थे, सुरोध वादक आपके सभी याद हो जाएंगे। इसके बाद आपका वायलिन वादक को याद कैसे करेंगे बच्चों? वायलिन, लीन रहते थे, कौन? डॉक्टर और भगवान में लीन रहना है, सभी के सभी नाम आपके याद हो जाएंगे। इसके बाद 6 नंबर पे आपका संतूर वादक। संतूर वादक को कैसे याद करोगे बच्चों? संतूर को याद करेंगे संतरे से। कैसे याद करेंगे? संतरे से। दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं, संतूर वादक में आपका भजन सोपारी, भजन सोपारी आपका अभय रुस्तम सोपारी लगातार पूछा गया है, प्रत्येक शिफ्ट में वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आ रहा है, टीसीएस कंपनी का फेवरेट टॉपिक है जो आपको कवर करना पड़ेगा। संतूर वादक को कैसे याद करेंगे बच्चों? जो संतूर हो ना, संतूर को याद करना कैसे? संतरे से। संतरे से कैसे याद करेंगे? देखना, भजन सोपारी, भजन हो रहे थे, कथा हो रही थी, क्या लेंगे प्रसाद में, क्या मिले थे? संतरे। जैसे कि आपका वर्षा अग्रवाल था, वर्षा के मौसम में संतरे ज्यादा आते हैं। जैसे आपका भट्टाचार्य आचार्य जी भजन कर रहे थे, क्या मिला था प्रसाद में? संतरे मिले थे। अभय रुस्तम सोपारी, सोपारी वाले तो तुम्हारे हैं ही,
संतरे में, ठीक है जी। शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा जी की कथा में प्रसाद बांट रहे थे, कहेगा संतरे का, ऐसे याद करेंगे। इसके बाद आपका रुद्र, वीणा वादक को याद कैसे करेंगे, रुद्र, रुद्र मतलब भयंकर रूप, रुद्र मतलब भयंकर रूप। किसने धारण किया था, ज्योति हेंगड़े ने, क्योंकि ज्योति है ना, ज्योति का दिमाग हैंग होगा था, ठीक है जी। उसने क्या रूप धारण कर लिया था, रुद्र रूप धारण कर लिया था। उस्ताद शादी अली खां, उस्ताद जी जो थे ना, मान ले उस्ताद है, कोई चेला गलती कर रहा है, ठीक है, उस्ताद जी रुद्र रूप धारण कर लेंगे अगर कोई चेले ने बड़ी गलती कर दी। ऐसे आपको याद रखना है, सोल्व में बता देता हूँ, फिर मैं आपको कंप्लीट क्लास में ही कवर कराऊंगा। उसके लिए देखो आपको कंप्लीट क्लास देखनी पड़ेगी, 90% एफर्ट मेरा रहेगा, मात्र 10% आप एफर्ट देना, याद पूरा टॉपिक कराने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके बाद आपका मर्दंग, मर्दंग वादक, मर्दंग में ना दंगा आ रहा है, देखना मर्दंग, दंग मतलब दंगा। एक शहर था उसमें दंगा हुआ, शहर का नाम क्या था आपका, पालघर, पालघर कांड तो आपने सुना ही होगा, पालघर में दंगा हुआ, नाम किस किस का है, ठाकुर की और जगदीश का नाम आया, खत्म, पूरा टॉपिक कंप्लीट। तीन नाम याद करने, दंगे में किस किस का नाम आया था, पालघर, पालघर मतलब पालघर रघु, जगदीश का नाम आया था और ठाकुर बिक्रम सिंह का आया था। ऐसे ही याद होंगे आपको, इमेज के रूप में आपको सेट माइंड में करना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो 90 नंबर का है आपका वीणा वादक, वीणा वादक को कैसे याद करोगे, वीणा, वीणा वादक वो आपकी माता सरस्वती वीणा बजाती है, ठीक है जी। कृष्ण भागवतार एस बालचंद्र, ये हम सरस्वती माता के नाम से रिलेट करके याद करेंगे। इसके बाद आपका पखावत वादक को हम याद करेंगे, कहीं से बच्चों पंखे से याद करेंगे, कैसे करेंगे सर, आप बोलने जा रहे हैं 11 के 11 आपने बता दिए, याद कैसे करेंगे, याद तो कराओ, अभी कराता हूँ, एक मिनट का समय तो दो मुझे, ठीक है। पंखा जो आपका पखावत वादक है, पखावत वादक को याद करेंगे, पंखे, जो पंखा होता है ना छत का, उससे कैसे सर, देखिएगा छत्रपति सिंह, पंखा किसका था, छत्र का, छत का, छत्र से आपका याद हो चुका है छत्रपति सिंह, पखावत वादक थी, ठीक है। रहमान खा, मेहमान आते हैं, छत का पंखा फुल स्पीड में चला देते हो, ऐसे ही आपको याद होंगे, हंसते हंसते सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब क्लास स्टार्ट करते हैं, नंबर एक से कवर करते हैं। सबसे पहले बांसुरी वादक, सबसे पहले बांसुरी वादक को मैं आपको बताया है, जो आपका कलर का नाम होगा लाल नीला पीला, तीन नाम वाले हैं, रंग वाले हैं, कौन कौन से, आपका हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे बच्चों, बांसुरी वादक, पन्ना लाल हरी उसमाया हरा रंग, पन्ना लाल में लाल रंग आया, पन्ना लाल रोज के आग बजाते थे बच्चों आपके, बांसुरी वादक है ये आपके। एल नीला नीले रंग का आया, नीला नीले का मतलब नीला भी आपका बांसुरी वादक, याद हुआ आपके, कलर वाला बांसुरी वादक। इसके बाद जो नाम है आपके बच्चे हैं देखना, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, जो कलर वाली बांसुरी थी ना किसके पास थी, राजेंद्र की, दो राजेंद्र आते हैं, एक आपका राजेंद्र प्रसन्ना, एक आपका राजेंद्र कुलकर्णी। इसके बाद भाई बांसुरी यदि आपकी बेहतरीन बजेगी, जो श्री कृष्ण भगवान जी थे बांसुरी बजाते थे, जब वो बांसुरी बजाते थे ना जितनी भी माई थी प्रसन्न हो जाती थी, प्रसन्न हो जाती थी, जितने भी गोकुल वाले थे प्रसन्न हो जाते उनकी बांसुरी की धूम सुनकर, इसका मतलब संतोष, संत उन्हें संतोष मिलता था, किसे, गाय को और गोकुल, गोकुल जो वहां के गोपाल थे उन्हें, ठीक है जी। इसके बाद आपका रोनू मजूमदार और भी कुंजमणि भी आपके बांसुरी वादक की है, ठीक है जी। एक कवर हुआ आपका, अभी जब मैं ब्लास्ट में कंप्लीट समरी लूंगा तब आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा, देखना आपके याद हो जाएगा। बांसुरी वादक को कैसे याद किया हमने, कलर से। इसके बाद हमारा सितार वादक, सितार वादक को कैसे आप याद करोगे, सितार को मैंने बताया शिव भगवान है, जो शिव भगवान के वहां पर ऊपर, ठीक है, क्या लगा हुआ है, एक चंदा लगा हुआ है, उसमें बीच में क्या है, एक स्टार है, इसका मतलब क्या क्या नाम आपके निकल कर आए, पंडित रविशंकर और उमा शंकर मिश्रा सितार वादक, ठीक है जी। जो आपकी सितार है ना, सितार मतलब स्टार, स्टार जो सुपर स्टार है, कहां जाते हैं बच्चों, विलायत जाते हैं, विलायत कहां जाते हैं, विलायत मतलब विदेश ज्यादा घूमते हैं, इसका मतलब आपका विलायत खाजो है, सितार वादक है आपके। और जो बच्चे जो ये स्टार होते हैं ना, बंदे हंसते रहते हैं, जो स्टार और सुपरस्टार होते हैं, आपने देखा है कभी परेशान, नहीं देखा होगा, इसका मतलब जो सितार वादक है बंदे क्या करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, और विलायत घूमने के लिए जाते हैं, कौन जाते हैं, स्टार सुपरस्टार, चार नाम आपके याद हो चुके होंगे, भगवान शिव जी के सर पे स्टार है, शंकर जी का नाम है स्टार है, इसके बाद बंदे हंसते रहते हैं, स्टार लोग तो हंसेंगे, स्टार सुपरस्टार, ठीक है। इसके बाद कहां घूमने जाते हैं, विलायत घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपका निखिल बनर्जी, क्या है बच्चों, निखिल, निखिल बनर्जी जो स्टार होते हैं वे खिले खिले रहते हैं, हंसते भी हैं और खिले खिले भी रहते हैं, देख लो जितने भी सुपर स्टार है खिले खिले दिखाएंगे, फोटो में वीडियो में मूवी में हंसते दिखाई देंगे,
ठीक है जी। इसका मतलब निखिल बनर्जी आपका क्या है, सितार वादक। इसके बाद शाहिद, शाहिद कपूर स्टार है, सुपर स्टार है, हीरो है शाहिद कपूर, इसका मतलब सितार वादक। इसके बाद बुद्धा, बुद्धा दिखते मुखर्जी, रानी मुखर्जी, ये तो स्टार ही है, ठीक है जी। रानी मुखर्जी शाहिद कपूर को याद रखना, स्टार, स्टार मतलब स्टार को कैसे रिलेट किया, सितार से। आपके सितार वादक भी याद हो चुके होंगे, इतनी गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन यदि आप माइंड में सेट करते हुए चल रहे होंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे देखते हैं सहनाई वादक। सहनाई वादक को कैसे याद करोगे, सहनाई वादक का मतलब है सहनाई बज गई, सहनाई बज गई मतलब शादी हो गई। भाई शादी कब होगी, जब दया शंकर जी ना दया करेंगे तभी तो सहनाई बजेगी, तभी तो शादी होगी। इसका मतलब क्या है आपका, दया शंकर जगन्नाथ जो आपके हैं सहनाई वादक है, शादी तो तभी होगी जब दया जी शंकर दया करेंगे, कौन, शंकर भगवान। इसके बाद आपका बिस्मिल्ला खा, बिस्मिल्ला खा, बच्चों बिस्मिल्ला खा पर तो ये है ना, बीस मिला, बीस मिले, बीस रिश्ते मिले शादी करने के लिए, सहनाई बजने के लिए कितने रिश्ते मिले, बीस मिले, बीस मिला खा भी आपका सहनाई वादक है। इसके बाद सहनाई बज गई, शादी हो गई, उसके बाद क्या होगा, मैडम घर पर आ गई, ठीक है, अगर किस्मत अच्छी हुई, अच्छी सी मैडम मिल गई, बेचारी मधुर 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 टी बना कर देगी, मधुर मधुर टी बना कर देगी, टी मतलब चाय, इसका मतलब आपका मधुकर टी धूमल जो है आपके सहनाई वादक है। इसके बाद अनंत काल, यदि अच्छा पार्टनर मिल जाए अनंत काल तक बस मजा ही आ जाएगा भाई, क्या जाएगा, मजा आ जाएगा, शांतिपूर्ण आपका जीवन व्यतीत होगा। इसका मतलब अनंत काल जो है आपके, ये भी आपके क्या है, सहनाई वादक है, ठीक है। इसके बाद आपका अली अहमद हुसैन खां, हुसैन खां का मतलब यार हर कोई चाहता है हुस्न वाला मिले, लड़की हो वो भी चाहेगी कि स्मार्ट लड़का मिले, और लड़का है तो भी चाहेगा कि स्मार्ट लड़की मिले, मतलब हुस्न उसका रंग रूप उसका बहुत बेहतरीन होना चाहिए जिससे सहनाई बजेगी, जिससे शादी होगी। अब याद हुए आपके, तीन में आपके कंप्लीट याद करा चुका हूँ, सहनाई वादक को शादी से रिलेट करके याद किया है। एक बार कंप्लीट वीडियो देखनी है आपको, उसके बाद थोड़ा माइंड में सेट करके देखना है, ठीक है, गारंटी में लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि मैं आपके सामने दोबारा प्रेजेंट करूंगा ना क्वेश्चन, राइट, बिल्कुल राइट आंसर दोगे आप, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तबला वादक, तबले वादक को हम याद कैसे करेंगे, तबले को याद करेंगे बल से, किससे, तबले को याद करेंगे बल, बल मतलब पावर से, ठीक है। जाकिर हुसैन, सभी का नाम सभी को पता है कि जाकिर हुसैन जो है कौन है, तबला वादक है, ये दो तीन नाम तो सभी को पता होंगे, किशन महाराज तबला वादक है, ठीक है जी। इसके बाद आपका किशन महाराज, ये भी तबला वादक है। अल्लाह रखा था, अल्लाह रखा, अमिताभ की मूवी में अल्लाह रखा था, तबला ही बजता था जी, उसमें बजता था, नहीं बजता था उसे छोड़ दो, याद माइंड में सेट कर लो, अमिताभ क्या बजा रहे थे वो अल्लाह रखा वाली मूवी में, तबला बजाते थे जी जब गाना बजता है, ठीक है जी। इसके बाद आपका लतीफ खा आपका बुधी महाराज, लच्छू महाराज, जब भी महाराज नाम महाराज नाम आ जाएगा, क्या नाम आ जाएगा, महाराज, तो 90% आपका क्या होगा, तबला वादक होंगे। जैसे ही महाराज किस किस मारा है देखिएगा, किशन महाराज, दुबई महाराज, लच्छू महाराज, और भाई जब जो बलशाली होगा ना सुख रहेगा, सुख में रहेगा, सुखबिंदर सिंह भी आपका क्या है, आपके तबला वादक है। और जो बलशाली होगा ना, बल कहां से आ रहा था, वो प्याज खा रहा था, हयान खा भी आपके क्या है, तबला वादक है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं स्रोत वादक, स्रोत वादक, स्रोत, स्रोत नाम आती क्या आता है, तो उसमें थोड़ा गुस्सी सी फीलिंग आती है, गुस्सा मतलब स्रोत या रोध रूप धारण कर लिया, स्रोत रोध रूप धारण कौन कौन करते थे, मुगल काल के अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, हिस्ट्री में तो है नाम तो आपने पढ़े होंगे, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, अलाउद्दीन खा है, अलाउद्दीन खिलजी माइनस ऐड कर लेना, स्रोत रोध रूप धारण कर लेता भाई वो, ठीक है। अहमद अली खां, आपके अहमद अली खां भी, तीन नाम तो आपके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जरीन दारू वाला, एक व्यक्ति है भाई, नाम नहीं मैं किसी का बिगाड़ रहा हूं, ठीक है, मेरा कोई पर्पज नहीं है किसी को दारू वाला बोलने का, वो नाम है उनका दारू वाला, जो आपका जरीन दारू वाला है, दारू पीने के बाद कुछ व्यक्ति क्या कर लेते हैं, रोध मतलब रोध रूप धारण कर लेते हैं, दंगा फसाद करते हैं, कैसे याद करोगे, जरीन जरा दारू वाले ने क्या किया, जरा दारू वाला, जरा सी दारू पी के क्या रोध मचाना चालू कर लेते हैं, इसका मतलब आपका जरीन दारू वाला भी आपका क्या है बच्चों, जरूर जरीन दारू वाला भी स्रोत वादक है। इसके बाद आपका बुद्ध देवदास, जो बुद्ध थे गौतम बुद्ध, बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन उन्हें भी कभी कभी रोध आ जाता था, मतलब गुस्सा आ जाता था, इसका मतलब जो आपका बुद्ध देवदास है स्रोत वादक है, बुद्ध भगवान जी को भी क्या आ जाता, गौतम बुद्ध जी को गुस्सा रोध रूप धारण कर लेते थे, ठीक है जी। इसके बाद आपका विश्वजीत राय चौधरी, विश्वजीत, विश्व को कौन जीत सकता है, जो शांत रहेगा वो जीत सकता है क्या, नहीं जी,
जिसे गुस्सा आता है, गुस्से में तो युद्ध जीतता होगा, ऐसे याद करना है आपको, विशु जी जो विशु को जीतता था कैसे गुस्से में आकर श्रोध रोध रूप धारण कर लेते, तभी तो राय खड़ा हो गया सबको गुस्से में, मन पे लेकर बैठ जो कि सिलेक्शन लेना है, थोड़ा गिल्टी फील करियो करियो, सच्चाई बता रहा हूँ, नींद भी नहीं आने की रात को यदि आप अपने दिल पे लेकर बैठोगे सच्चाई में। मम्मी पापा का अपना ध्यान रखना है कि हाँ भाई हमारे माँ बाप कितनी मेहनत करके हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और हमें क्या बनना है, ठीक है, पढ़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। इसके बाद आपका विशु जीत मतलब विशु को जीतता था कैसे, रोध रूप धारण करने के बाद। हाजिम जो आपका हाफिज खा था बच्चों, रोध रूप यदि किसी ने रोध रूप धारण कर रखा है, हाफिज खुदा हाफिज कह के वहां से निकलने में ही बताई है। इसके बाद आपका मुकेश शर्मा है, मुकेश शर्मा रोध रूप धारण कर लेते थे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर है छठे टाइप का जो है आपका संतूर वादक, संतूर वादक, संतूर वादक को कैसे याद करने के लिए बताया मैंने आपको संतरे से, संतूर वादक को याद कैसे करना है, संतरे से आपको याद करना है। भजन सोपारी, भजन सोपारी जब भजन कीर्तन हो रहे थे वहां प्रसाद कहेगा मिल रहा था आपका, संतरे का मिल रहा था। इसके बाद आपका वर्षा अग्रवाल, वर्षा मतलब बरसात के मौसम में संतरे ज्यादा आते हैं, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपका भट्टाचार्य जो आचार्य थे, प्रसाद कहेगा दिया था उन्होंने, संतरे का प्रसाद दिया था, संतरे को याद करना है संतूर से, संतरा भी ऑप्शन में मिल लेगा। इसके बाद आपका अभय उत्तम सोपारी और शिव कुमार शर्मा, यहाँ पर शिव कुमार शर्मा आया, कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा सर शिव जी का तो आपने बताया था स्टार से, लेकिन एक नाम भी आपका शिव कुमार शर्मा जी है, शर्मा जी पंडित जी तो प्रसाद देवेंगे कहेगा संतरे का, जो ये शिव जी के नाम है ना इनमें शर्मा नहीं है, ये आपका रविशंकर और उमाशंकर जो है, उमाशंकर रविशंकर मिश्रा आपके सितार वादक स्टार थे, और पंडताई का नाम कौन कर रहे थे, शर्मा जी कर रहे थे, शिव कुमार शर्मा प्रसाद दे रहे थे किस चीज का बच्चों, संतरे का। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रुद्रवीणा वादक, जो रुद्रवीणा वादक है बच्चों रुद्र रूप धारण किसने किया था, है गोगी थी कौन, ज्योति। क्वेश्चन मिलने वाला है दिल्ली पुलिस वाले बच्चे ध्यान से इस टॉपिक को कवर करना, जितने टीसीएस कंपनी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनमें फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। आपने आज तक काफी बार प्रयास किया होगा, बहुत सारी क्लास देखी होगी, लेकिन सच्चाई में बता रहा हूं आप यदि आप ऐसे याद करोगे तो ये ऐसे आपका याद हो पाएगा, ये 90% एफर्ट मेरा रहेगा, 10% तो आपको लगाना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा ज्योति हैंगडे, हैंग होगी थी ज्योति, रुद्र रूप धारण कर लिया था, बाल खोल लिए थे, कोई ज्योति नाम की अगर लड़की होगी अपने दिल में मत लेना, ठीक है जी, ये सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद देखना उस्ताद सादिक अली खां, उस्ताद जी क्या होंगे, यदि चेला या जो काम सीख रहे हैं जिसके पास हम, यदि कोई बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी तो क्या हो जाएंगे, उस्ताद रूप धारण कर लेंगे, कौन सा रुद्र बिना मतलब रुद्र रूप धारण कर लेंगे, इसका मतलब उस्ताद सादिक अली खां भी आपके रुद्र बिना वादक है। इसके बाद आपका देखिएगा थर्ड वन है हिंद राज दिवेकर, हिंदराज के नाम से आपको दिखाई दे रहा है, हिंदराज बहुत बड़ा नाम है, हिंदराज मतलब पूरे हिंद पर राज कर लिया, ठीक है जी, कब किया, रुद्र रूप धारण करके तो क्या होगा। इसके बाद आपका विशु मोहन भट्ट और असद अली खां, ये भी आपके रुद्र बिना वादक है। नेक्स्ट देखिएगा मर्दन वादक, दंगा हुआ था कहां हुआ था, पालघर में, नाम किस किसके आए थे, एक आया था जगदीश का, एक ठाकुर बिगम सिंह का आया था। अब ये देखिएगा यदि मर्दन का आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो मर्दन से दंगा आपके याद आएगा, दंगा यदि याद आ गया पालघर तो याद रहेगा ही रहेगा, दो नाम सामने होंगे जगदीश ठाकुर, राइट आंसर तुरंत लगेगा, ठीक है, आप समझ चुके होंगे मैं आपको जैसे बता रहा हूं। ऐसे एक बार यदि आपने अच्छे से क्लास देखी एक बार नोट डाउन कर लेना, पूरा टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा वीणा वादक था, ठीक है, इसे याद कैसे करोगे, कर्षण भागवकार आपका जो है ये क्या बजाते थे, वीणा नहीं बांसुरी बजाते थे कर्षण भगवान की, लेकिन वीणा बजवा दोनों नाम याद रखने के लिए कोई दिक्कत थोड़ा है, ठीक है। एस बालचंद्रन और आपका दोरा स्वामी अय्यर और बदरुद्दीन डागर आपके ये क्या बजाते थे बच्चों, वीणा बजाते थे। इसके बाद देखना पखावत वादक कौन थे, छत का पंखा, पखावत से कैसे याद करना आपको, छत का पंखा, इसका मतलब छत्रपति, छत के पंखे से छत्रपति सिंह आपका पखावत वादक है। इसके बाद रहमान खां, मेहमान आए क्या चलाया था आपने, पंखा चलाया था छत का, इसका मतलब रहमान खां आपके पखावत वादक है। मदन गोपाल दास लोगी तो पंखा चलाते हैं, यदि बिजली नहीं आ रही तो पंखा दास लोगी तो चलाएंगे। इसके बाद आपका ठाकुर लक्ष्मण जी क्या करते, पंखे में बैठकर आराम करते थे। इसके बाद हमारा लास्ट वन है
वायलिन और वायलिन लीन किसमें रहना है बच्चों, भगवान में रहना है लीन और डॉक्टर में भी लीन रहना पड़ता है। दो ही जान बचा सकते हैं, एक तो नंबर एक भगवान होते हैं, नंबर दो पर डॉक्टर होते हैं। यदि कुछ खतरनाक दिक्कत आ जाए तो दो पर ही विश्वास किया जाता है, भगवान और डॉक्टर। कहते हैं ना डॉक्टर तो भगवान है। अब देखते हैं याद कैसे करेंगे। डॉक्टर एन राजन, जब भी नाम में डॉक्टर या वैद्यनाथ दिखाई दे जाए तो आप वायलिन वादक लगा देना, वैद्यनाथ होंगे। डॉक्टर और किसी के नाम में अभी तक नहीं आया है, ठीक है ना, वैद्य आया है, ठीक है। देखिए कौन कौन से नाम बनते हैं वायलिन वादक में, डॉक्टर एन राजन वायलिन वादक थे आपके, विष्णु गोविंद जो, विष्णु गोविंद दोनों भगवान ही है एक साथ ही, दोनों के नाम आ गए वायलिन वादक, ठीक है, लीन रहना है विष्णु गोविंद की पूजा में। एल सुब्रमण्यम तो वायलिन वादक है ही, सभी को पता है। संगीता राजन और पुनकेरी वेदनाथ आपके वायलिन वादक है। एक बार प्रयास मेरा यही रहा है कि मैं आपको पूरा टॉपिक ट्रिक्स से याद करा दूं, ठीक है। थोड़ा स्पीड में टॉपिक कवर कराया क्योंकि क्लास में ज्यादा लंबी करना नहीं चाहता। आपको पता चल चुका है कि बांसुरी वादक कलर कहीं दिखाई देगा, बांसुरी वादक लगाओगे। स्टार भगवान जी और स्टार सुपर स्टार को सितार वादक से याद किया, सहनाई वादक शादी को हमने याद कैसे किया, जो शादी होगी सहनाई वादक से किया, तबले वादक को याद कैसे किया, बल से याद किया है हमने, सुरोद वादक को, सुरोद वादक को याद कैसे किया बच्चों, रोध रूप धारण कौन करता था, अकबर अलाउद्दीन खिलजी अमजद अली, ये आपके रोध रूप धारण कर लेते हैं। वायलिन लीन कैमे रहना है, भगवान और डॉक्टर पे विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका संतूर वादक को कैसे याद किया है, संतूर वादक को संतरी पूजा कीर्तन, जबकि पूजा हुई थी कथा हुई थी उसके बाद प्रसाद मिला था, किसका मिला था, संतरे का मिला था, ठीक है जी। भजन चौपारी वर्षा के मौसम में संतरे ज्यादा आते हैं। रुद्र वीणा वादक ज्योति को हैंग होकर गुस्सा आया था, रुद्र रूप धारण कर लेता, उस्ताद जी को गुस्सा आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद मर्दन दंगे काम हुए थे पालघर में, किस किस का नाम आया था, ठाकुर का जगदीश का नाम आया था। वीणा वादक मैं आपको बता ही चुका हूँ, और लास्ट में आपका पखावत छत के पंखे से मैंने आपको याद कराया। आपको क्लास कैसी लगी है, क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है अच्छी बात है, नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपको मैं ऐसे ही टॉपिक लगातार देता हुआ आऊंगा, ठीक है जी। थैंक यू।